प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अस्थि कलश कुल्लू पहुंच चुका है, तो वहीं शुक्रवार को ढालपुर के प्रदर्शनी मैदान में अस्थि कलश को लोगों के दर्शनों के लिए रखा गया। इस दौरान विभिन्न धर्मों के लोगों ने भी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अस्थि कलश को श्रद्धांजलि दी। कुल्लू कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा बीती रात के समय रामपुर से यह अस्थि कलश कुल्लू पहुंचाया। शुक्रवार को सुबह 11 बजे से ही अस्थि कलश लोगों के दर्शनों के लिए रखे गए थे, ताकि शाम तक लोग पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दे सके। वहीं विभिन्न धर्म गुरुओं के द्वारा भी शांति पाठ करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। सारा दिन विभिन्न धर्मों के लोग भी पंडाल में पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देते रहे। इस दौरान कुल्लू जिला के विकास के लिए स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के द्वारा किए गए योगदान को भी लोगों के द्वारा याद किया गया। कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर ने बताया कि ढालपुर के प्रदर्शनी मैदान में दिन भर अस्थि कलश को लोगों के दर्शनों के लिए रखा जाएगा। वहीं शनिवार सुबह 10 बजे भुंतर में जिया गांव में पार्वती नदी के संगम स्थल पर अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। ढालपुर में इनकी अस्थियों को लाया गया है, लोगों की मांग थी, और यहाँ पे जो हमारे पवित्र व्यास और पार्वती का संगम है, वहाँ पे कल इनको प्रवाहित किया जाएगा। आज दिन भर सर्वधर्म, जिसमें कि हमारे जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सभी लोग यहाँ पे आने वाले हैं, और सारे अपने आत्मा की शांति के लिए अपने धर्मों के मुताबिक वो जो है अपना जो अपना यहाँ पे जो भी होगा वो करेंगे, ताकि भगवान प्रभु से हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे लोकप्रिय है, जैसे लोगों के दिलों में राज उन्होंने यहाँ किया है, ऐसा ही राज वो स्वर्ग में भी करें, क्योंकि ऐसी महान आत्माएं, शायद वो एक अवतार पुरुष थे, ऐसी महान आत्माएं इस संसार में कभी कभी आती है, ना पहले कभी ऐसा कोई व्यक्तित्व हुआ, ना आगे होगा, यही इस बात का उदाहरण है कि अभी आप देख रहे हैं सभी धर्म के लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे सुबह से लोगों का आना जाना तांता चला हुआ है, और ये आज पूरे दिन भर चलेगा, और कल उनके अस्थियों को विसर्जित संगम स्थल पे किया जाएगा। ये आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम कोशिश करेंगे कि एक परिवार के रूप में जो वीरभद्र सिंह जी के जो रास्ते थे, दिखाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे, और इस कुल्लू की विकास की गाथा को आगे बढ़ाते रहेंगे। हर जनमानस की आवाज़ को सुना जाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपसी सद्भावना के साथ हमें इस कुल्लू घाटी में रहना है, और यही संदेश वीरभद्र सिंह जी का जिसको हम स्मरण करना चाहेंगे। आज यहाँ जो है सर्वधर्म की तरफ प्रार्थनाएं की जा रही है, जिससे कि कुल्लू के लोगों की तरफ से उनको अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाए, और कल सुबह यहाँ अस्थियों का विसर्जन होगा जिया संगम में, जो कि हमारा बहुत पवित्र स्थान मानते हैं। और उसके साथ साथ आज यहाँ हर किस्म के लोग, हर जाति धर्म और हर मतलब के राजनीति से ऊपर के उठ के लोग या अपने उनके जो अस्थि कलश है उसको श्रद्धांजलि देंगे, और जो धर्म जो पाठ हो रहा है उस पर भी हिस्सा ले रहे हैं। आज कुल्लू उनको पुनः बहुत याद करता है, और उनको कोटि कोटि शत शत नमन करता है कि उनकी जो सेवाएं हैं, उनका जो सहयोग, जो उन्होंने कुल्लू के लिए काम किया है, कुल्लू की देव धरती उनको हमेशा हमेशा याद रखेगी, उनको अश्रुपूर्ण विदाई। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर, और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।